साल होती है एंड उनके जस्ट सामने F1LS एक्सपीरियंस हर तरफ यहाँ पे मन खुट खुट के भरी हुए एंड अब यहाँ पे वो जो ओपनिंग है वो सब कुछ यहाँ पे बयान कर सकते हैं। जब दो टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे तो वो थर्ड पार्टी होता हुआ हमें 100% देखने को मिलता है। देखिए वो डर भी है उनको कि प्लेयर कहीं ना कहीं पीक करेगा, लेकिन उसी डर को सामना करते हुए सामने बढ़ेंगे F1LS को चैलेंज देने के लिए। यहाँ पर जोनाथन वेट कर रहे हैं सही समय के आने का, बट क्या इग्नाइट आर्टेमिस सविता माइटी का फायदा मिलता है यहाँ पर नजर आए, क्योंकि देखिए उनका फोकस कंप्लीटली अब कैमिनी स्पोर्ट्स के पास आ चुका है। लेकिन थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा जोनाथन, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं कैमिनी स्पोर्ट्स भी निकाल सकती है उनको। मोलोटॉफ फेंका गया, क्या मोलोटॉफ करेक्ट जगह पे गया है? जी नहीं, अगर शायद वहां पर रिवाइवल दे रहे होते तो शायद ये नो डाउट आराम से वहां पर फिनिश हो सकते थे। लेकिन कंप्लीट फोकस जो है क्लच गॉड एक तरह से इंटेल प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर जोनाथन को, नो डाउट। लेकिन टॉप थ्री क्या फायदा मिल पाएगा? एसएलआर उनके हाथ में यहाँ पर रोटेट करके आते हैं और अगर इस पॉइंट पे जोनाथन को रिवाइव मिल जाता है टीम गॉडलाइन इस मैच को वापस अपने कंट्रोल पे लेके आते हैं। लेकिन जो पोजिशनिंग जो फिनिश पॉइंट एंड जिस लेवल के वो